में इन दिनों दो बड़े नेताओं के बीच जाति को लेकर जुबानी जंग छिड़ी हुई है। जुबानी जंग हम कहें या फिर पोस्ट वॉर चल रहा है, पोस्ट वॉर एक्स पर सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे पर वार किया जा रहा है। मांझी के पोस्ट पर अब लालू यादव ने पलटवार किया है। मांझी के पोस्ट पर अब लालू यादव ने पूछा है कि जीतन राम मांझी मुसहर है क्या। जीतन राम मांझी ने दरअसल लालू यादव के यादव होने पर सवाल उठाया था, उनकी जाति यादव होने पर सवाल उठाया था और बताया था गड़ेरिया गड़ेरिया लालू यादव को बताया था। तो अब लालू यादव ने पूछा है कि क्या आप मुसहर हैं। अब समझिए बिहार की राजनीति मुसहर बनाम गड़ेरिया की राजनीति में शिफ्ट हो गई है और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बीच ये जंग छिड़ी हुई है। जीतन राम मांझी ने लालू यादव को गड़ेरिया कहा, जिस पर लालू यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि तो वो मुसहर है क्या, ये अपने अंदाज में। ये विवाद तब शुरू हुआ जब बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मांझी पर निशाना साधते हुए कहा कि मांझी और उनके बेटे संतोष कुमार सुमन आरएसएस के स्कूल से पढ़े हैं और जीतन राम मांझी नहीं बल्कि जीतन राम शर्मा हैं। तेजस्वी यादव के इस बयान पर मांझी ने पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी खुद तो पढ़े लिखे हैं नहीं जबकि उनके बेटे संतोष कुमार सुमन PhD और नेट क्वालिफाइड हैं और एक प्रोफेसर। मांझी ने यह भी कहा कि वो खुद बी ऑनर्स हैं। मांझी ने तेजस्वी को चुनौती देते हुए कहा कि वो अपनी डिग्री के बारे में बताएं। अगर तेजस्वी उन्हें जीतन राम शर्मा कहते हैं तो उन्हें अपने पिता लालू के बारे में भी बताना चाहिए कि वो किस जाति के हैं। और बाद में उन्होंने कह भी दिया कि लालू यादव गड़ेरिया समाज से आते हैं। तो बिहार में लालू बनाम जीतन राम मांझी कभी ये दोनों एक साथ हुआ भी करते थे। बिहार की सियासत में यही दिलचस्पी इसलिए भी ज्यादा बनी रहती है कि कभी दोस्त कभी दुश्मन, कभी जुबानी जंग कभी एक दूसरे की तारीफ। कभी लालू यादव और जीतन राम मांझी एक साथ थे महागठबंधन में, अब NDA का हिस्सा बन गए जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री हैं, बेटा बिहार सरकार के मंत्री है। तो लालू यादव बनाम जीतन राम मांझी और वो गड़ेरिया बनाम मुसहर, और ये सब कुछ विवाद तब शुरू हुआ जब बिहार में एक ऐसी घटना सामने आई जहां महादलित टोले में आग लगा दी गई, पूरी की पूरी बस्ती जला दी गई। वो बताया जा रहा है मुसहर समाज वहां पर रहता था, मुसहर जाति के लोग रहते थे, जिसके बाद जीतन राम मांझी सामने आए और उन्होंने खुलकर कहा कि कुछ दबंग लोग हैं, कुछ जाति विशेष के दबंग लोग हैं, उनका इशारा यादव पर था। फिर उसके बाद और पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि जीतन राम मांझी नहीं जीतन राम शर्मा हैं, उनके वो और उनके बेटे RSS के स्कूल से पढ़े हैं। तब जाकर जीतन राम मांझी ने पलटवार किया और पूछा कि लालू यादव किस जाति से आते हैं ये बताइए, अपनी डिग्री के बारे में बताइए, लालू यादव गरेड़िया हैं और वो यादव गलत लिखते हैं, वो गरेड़िया लिखें जबकि मैं कहता हूँ गर्व से खुद को मुसहर बताता हूँ। तो ये मुसहर और गड़ेरिया की राजनीति बिहार में दोनों चल रही है। जाति की राजनीति बिहार में पहले भी चलती रही है लेकिन एक घटना को लेकर अब जातीय राजनीति फिर उबाल मारने लगी है। मध्य प्रदेश का रुख करेंगे।